तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कार डेटॉक्स। सो आप थंबनेल देख के आप समझ ही गए रहेंगे कि ये गाड़ी का रिव्यू देना है। मेरा क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कार्स 24 से लेके, मैंने शायद 2 महीना हो गया रहेगा गाड़ी लेके, है ना उसे जी। दो महीना हो गया गाड़ी को लेके, और उनके भी कॉल्स वगैरह मेरे को आ रहे थे कि आप फीडबैक दीजिए। तो मैंने उन्हें कहा था जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहेगा मैं 2-3 महीने बाद ही दूंगा। और जैसे मेरे फ्रेंड्स लोग हैं उन्होंने भी पूछा कि मतलब गाड़ी कैसे लिया, क्या प्रोसेस है, कितना है। तो मैं वही सोचा कि आप लोगों को भी मतलब ऐसे आप सेकंड हैंड देखते रहोगे सीखने के लिए या कोई चीज़ के लिए आपको यूज़ करना होगा गाड़ी एक सेकंड हैंड में लेके, तो आपको भी मैं एक डिटेल शेयर कर देता हूँ कि क्या क्या प्रोसेस है और उनका फाइनेंस कैसे होता है, और गाड़ी मतलब बुकिंग करके आपको टेस्ट ड्राइव कैसे मिलता है, तो उसके सारे डिटेल्स मैं देता हूँ। तो मैं गाड़ी सर्च कर रहा था एक सेकेंड हैंड मेरे को चाहिए थी। मेरा बेसिकली एक कार डिटेलिंग का बिजनेस है, तो मेरे को ऐसी गाड़ी चाहिए थी कि मतलब कोई प्रॉब्लम ना आए, और अगर कहीं से प्रॉब्लम आया तो उसको प्रॉब्लम को उसका सॉल्यूशन सब मिल जाए और कुछ इंजन वगैरह के काम ना आए। तो ऐसे में गैरेज वगैरह से लेने के लिए थोड़ा मेरे को ये था कि मतलब वो उसके इंजन वगैरह कैसे रहेंगे। तो मैंने कार्स 24 का मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया, उसने एक अर्टिगा लिया था तो उसने रिकमेंड किया कि तू कार्स 24 चेक कर ले, और उनके पास काफ़ी ज़्यादा गाड़ी है और अच्छी अच्छी गाड़ी है। तो मैं जस्ट उनका ऐप देखा, ऐप में मैं ऐसा गो थ्रू करते गया तो मुझे एक बजट में गाड़ी लेना था। तो मैंने ये जो गाड़ी लिया है हुंडई i10 2010 की है, जो बेसिकली मेरे प्रोडक्ट्स वगैरह लेके जाने आने के लिए मैंने लिया था, और कुछ बंदे हैं हमारे जो इस पे गाड़ी पे सीख लेंगे, और उस हिसाब से मैंने ये गाड़ी लिया कि मतलब ओवरऑल मेरे वर्कशॉप के लिए काम आ जाए और एक अच्छी गाड़ी लूँ और एक अच्छी कंपनी से लूँ। तो मैंने सर्च किया, मेरे को ये i10 दिखी, तो वो i10 को मैंने पूरा सर्च किया, रीड किया, तो उनका पूरा डिटेल्स शेयर, उन लोग ने पूरा डिटेल्स वहाँ पर ऐप में सब कुछ दिया था कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, कहाँ स्क्रैचेस है, कहाँ क्या है, सब कुछ उसने शेयर किया था, और अंदर का क्या क्या प्रॉब्लम है, बाहर क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ था। तो ओवरऑल मैंने देखा, तो मैंने गाड़ी देखने के बाद मैं सोचा कि गाड़ी को एक बार वर्कशॉप उनके हब में आके चेक कर लूँ। तो उनके मैं सेल्स ऑफिस गया, मैं एक बंदे से मिला, तो उन्होंने बोला कि गाड़ी को अगर आपको टेस्ट ड्राइव लेना है तो गाड़ी को आपको लॉक करना होगा। बेसिकली कैसा होता है, अगर आपको गाड़ी लेना है उनसे तो वो गाड़ी आपको टेस्ट ड्राइव करना है, अगर आपको गाड़ी पसंद आ गई हो तो उनका एक 10,000 का अमाउंट होता है, शायद 10,000 का अमाउंट होता है, टोकन अमाउंट होता है, वो लेके गाड़ी को आप ब्लॉक कर सकते हो। तो हम लोग ने गाड़ी पूरा देखा, गाड़ी देखने के बाद वो पहले नीचे गए थे हम सर्च कि हाँ गाड़ी है करके, तो हमको टेस्ट ड्राइव लेना था कि ओवरऑल उसका इंजन कैसा है, अंदर का कैसा है, क्योंकि परफॉर्मेंस कैसा है, और हमारे पास की तो थी नहीं, बाहर से देख के तो कुछ होगा नहीं, इंजन का पता चलेगा नहीं। तो हमने उनको 10,000 पे किया, गाड़ी को ब्लॉक किया, गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लिया। हमने सेल्स ऑफिस में एक शशिकांत भाई को मिला, उन्होंने काफी हेल्प किया हमको, तो गाड़ी का हमने टेस्ट ड्राइव के लिए पूरा टाइम लिया। वो नीचे है, हम नीचे पार्किंग में गए, तो वहाँ का तो वीडियो वगैरह शूट नहीं किया क्योंकि वहाँ पर लाइट भी, और शाम का टाइम मुलुंड ब्रांच का था, हाँ तो हम लोग मुलुंड ब्रांच में देखे थे, तो लाइट वगैरह उतनी अच्छी थी नहीं, तो वहाँ का शूट भी नहीं किया था हमने। तो गाड़ी को हमने लिया, तो आप देखते रहोगे ये वीडियो में, मैं तो बोल रहा ये कौन है, ये मेरा दोस्त है उजेर, जो कि मैं और यही गाड़ी चेक करने गए थे। उजेर ने पूरा ड्राइव करके पूरा चेक किया कि कैसा क्या है, तो फिर गाड़ी को हम लोग शशिकांत भाई के साथ गए, तो और चाबी लिया हम लोग ने टेस्ट ड्राइव के लिए उनसे बोला, तो वो भी थे, मैं भी था और उजेर भी था। तो उजेर ने चला के देखा गाड़ी मतलब, और मैं आपको बताऊंगा कि आप गाड़ी ले तो कैसे, कहाँ टेस्ट ड्राइव ले, कैसा क्या है, और गाड़ी में मतलब थोड़े बहुत थे मेरे को जो मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आया मेरे को। तो टेस्ट ड्राइव लिया, गाड़ी एकदम ओके थी, क्योंकि और टेस्ट ड्राइव हमने उनको बोला भाई गाड़ी हमको बाहर टेस्ट ड्राइव पे चाहिए, तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, आपको अंदर ही करना पड़ेगा टेस्ट ड्राइव। तो हम लोग ने एक छोटा सा टेस्ट ड्राइव लिया, तो उसमें हमको मेन अभी आप रोड पे निकालोगे कैसे, मतलब रोड अभी यहाँ पर इतने सारे मुंबई में आपको पता है गड्ढे, तो निकलने के बाद तब पता चलेगा गाड़ी के साउंड कैसे है सब कुछ है। तो अंदर ही हमको टेस्ट ड्राइव दिए, तो हम लोग बोले ठीक है चलेगा। तो गाड़ी मैंने सब कुछ डन किया, बाकी के पेमेंट किया, मैं ये गाड़ी लिया फाइनेंस पे, तो उन्होंने मेरा ये गाड़ी पूरा फाइनेंस पे करा के दिया है। तो ये गाड़ी पूरी फाइनेंस पे हुई है, और कैसे पहले एक फाइनेंस पे कर रहे थे तो वो उससे हुआ नहीं, मतलब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया हमको
क्योंकि मेरे को गाड़ी ये पसंद आ गई थी, तो उसने उन्होंने मतलब एक और फाइनेंस से करके मतलब पूरा गाड़ी हमको करवा के दे दिया, तभी आज मैं बैठा और वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ये गाड़ी फाइनेंस होने के लिए क्या क्या हुआ, पूरा डिटेल्स मांगा, जो भी है सब कुछ, अगर आप बिजनेस करते हो कुछ भी जो भी रहता है तो उसके डॉक्यूमेंट्स, उनको जो भी उनका रिक्वायरमेंट रहेगा वो आपको शेयर करना होगा, उनको देना होगा। तो मेरा ऐसा हो गया था, थोड़ा फाइनेंस का ऊपर नीचे हुआ था, तो बाद में उन्होंने पूरा हेल्प करके दिया, फाइनेंस के भी बंदे थे, तो सब कुछ हो गया। तो वो फाइनेंस होने के बाद गाड़ी का मैंने सब कुछ मतलब टोटल सब हो गया था, मैंने गाड़ी तो चेक कर लिया था, तो मतलब गाड़ी कब मिलेगी, तो गाड़ी उन्होंने बोला था कि गाड़ी सर आपको पूरा क्लीन करके मतलब पॉलिश वगैरह सब कुछ करके गाड़ी आपको मिल जाएगी। तो मतलब ठीक है, तो शायद फ्राइडे का टाइम था, 2 महीना हुआ था, तो मैंने गाड़ी मतलब लेके मैंने सब पेमेंट कर दिया था। तो उन्होंने बोला कि शायद सैटरडे को आ जाओ, अभी मेरे को एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है, बट 2 महीना शायद हो गया है गाड़ी को लेके। तो फिर हमने गाड़ी शाम को ली, शाम को लेने के बाद उसमें प्रॉब्लम क्या हुई, तो और मैंने तुरंत बताया उनको, तो और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने मतलब उसको सॉल्व करके नहीं दिया, उन्होंने मतलब कॉल उठाया, सब कुछ किया। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या प्रोसेस हुआ। तो गाड़ी जब हम लेके जा रहे थे, क्योंकि लेने के बाद हम लोग डिलीवरी लेने के बाद हम गाड़ी लेके गए, हाँ तुरंत लेके गए, और हम लोग खाने 50 किलोमीटर हाँ एक मतलब राइड करके हम लोग आए कि मतलब कैसा है ओवरऑल इसका मतलब कुछ काम नहीं। तो हम लोग लेके 1 किलोमीटर ही गए तो गाड़ी के लेफ्ट साइड से सस्पेंशन के इधर से साउंड आने लगा। तो मैंने तुरंत कॉल किया सेल्स बॉडी को, मतलब भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला कि आपका जो भी प्रॉब्लम है सब कुछ सॉल्व करके मिल जाएगा, आप सिर्फ एक वारंटी को क्लेम कर दो ऐप में से। उन्होंने बताया था कि एक ऐप में जो भी होता है सब ऐप के थ्रू हो जाता है, तो वो हमने किया। उसमें हमको शायद एक वो आवाज आ रहा था, और क्या आ रहा था, एक स्टेयरिंग का आ रहा था, और हाँ स्टेयरिंग का और कुछ बाद में क्लच का आया। और फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है हो जाएगा। तो हमने कॉल किया, कॉल करने के बाद उनका कैसा है, अगर आप कॉल करते हो उनको तो वो कॉल करने के बाद उनका अपॉइंटमेंट जैसे मिलता है वो थोड़ा टाइम जाता है। अभी आज आपने कॉल किया है तो वो देखेंगे कब उनके बंदे मतलब अवेलेबल है, वैसा 2 दिन 1 दिन जैसा रहता है, हाँ वो आ जाते हैं। और अच्छा ये है कि आपके डोरस्टेप पे मतलब जहाँ पर आपकी पार्किंग है अगर यहाँ पर बनने जैसा होगा तो आपकी गाड़ी बना देंगे, वरना उनके वर्कशॉप है, उनका कुछ ऐसा लिंक वगैरह है, मतलब टाइप्स है। तो अभी जैसे हमारा मुलुंड साइड से लिया था, अगर कहीं हमको मुलुंड में रहते, आप समझ जाइए आप नवी मुंबई में रहते हैं, भांडू मुंबई में भांडू मुलुंड ये सब साइड में, मुलुंड पास है, मुलुंड में इनका वर्कशॉप है, तो स्टोर वगैरह सेल्स ऑफिस सब है नीचे गाड़ी उनके, या फिर और किधर किधर चेंबू साइड भी, वाशी अंधेरी साइड में किधर, मतलब जहाँ भी रहते हैं आप कहीं पे भी लेके आओ, कॉल करो बंदा आ जाएगा आपके पास, तो और जो भी रहेगा चेक करेगा, अगर लगेगा तो वहाँ बनाएगा, वरना वो उनके वर्कशॉप पे लेके आके बना के देंगे। तो ये प्रोसेस हुआ, तो मेरे इसमें ये प्रॉब्लम आया, तो वो बंदा मतलब बना के सब कुछ दे दिया, मतलब स्टेयरिंग का साउंड, स्टेयरिंग का और व्हील का साइड का सस्पेंशन का वो निकाल के दे दिया। तो उसके थोड़े दिन बाद वापस से एक साउंड आने लग गया, फिर से वहाँ पे आया, फिर मैंने कॉल किया उनको, बोला कि मतलब ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है गाड़ी में, ऐसे सब साउंड आ रहे। तो उन्होंने वापस से एक बंदा भेजा, तो वो बंदा भेजने के बाद जब मैं फिर उनको दिया तो वो बंदे के बाद वो ऑटोमेटिक वो साउंड चला गया, तो स्टेयरिंग का मतलब जो था उन्होंने काम करके मेरा दे दिया। फिर ये लाइट था, कुछ चीज़ उन्होंने मेंशन नहीं किया था जो लाइट का, तो वो लाइट का उन्होंने मतलब सब कुछ ओवरऑल करके दे दिया उसका, वो बोले थे। तो उसके तो ये सीट का सॉरी ये लाइट का प्रॉब्लम था, और मैंने आपको बताना भूल गया कि मेरे पीछे के सीट का भी प्रॉब्लम था। तो जो भी था मैंने सब बताया उनको, सब कुछ सॉल्व करके मिल गया था, मगर सीट का नहीं मिला था। तो ऐसे ही मेरे गाड़ी का एक दिन मैं यूज नहीं कर रहा था, 2-3 दिन खड़ी थी शायद गाड़ी, तो उसका कैसे व्हील अचानक से लॉक हो गया था, तो उसका लाइनर पूरा खत्म हो गया था। तो उसमें लाइनर अपना वारंटी में नहीं आता है, व्हील सिलेंडर में आता है। तो मेरा किसी से बात हुआ था, दिल्ली का कोई बंदा था उनका, तो अमरिंदर सर करके कोई थे, अमरिंदर सर हाँ अमरिंदर ही कोई थे। तो उन्होंने बोला कि आप सीट का लॉक और वो दोनों चीज आपको अगर मिल जाता, उन्होंने क्योंकि सीट का जो लॉक था वो फर्स्ट डे पे मैं उनको बोला था ना, तो उनसे भी अरेंजमेंट नहीं हो रहा था। तो उन्होंने वो सीट का लॉक का बोला अगर आपको मिल जाता है तो आप मेरे को बता दीजिए, मैं आपको रीइंबर्समेंट करवा दूंगा, वो रिफंड हो जाएगा। तो मेरे को सीट का वो लॉक मिला ही नहीं कहीं कि मैं कहीं बोलूं या देखूं।
तो वो हुआ। और दूसरा चीज फिर मेरे को वो रिफंड तो नहीं मिला। और फिर उसके बाद क्या होता है, गाड़ी ओवरऑल अच्छी चल रही थी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अचानक से एक दिन मेरा एसी बंद हो जाता है, जो ब्लोअर मोटर होता है, तो उनका वारंटी में था वो ब्लोअर मोटर के लिए। मैंने भाई बहुत पापड़ बेले, बहुत कॉल किए, मैकेनिक आया, चेक किया, उनका मैकेनिक ने बताया यहाँ हमारे इधर ही पास में, तो वो लेके गए, वो देखे। एक्चुअली वो जो ब्लोअर मोटर था, मेरे को आते आते शायद 20-21 दिन लग गए मेरे को, जब तक गाड़ी मेरी ऐसे ही चल रही थी। तो मैं उनको काफ़ी ज़्यादा, मैं भी परेशान था, मैंने उनको बोला कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैं ये कंपनी से लिया हूँ तो मेरे को लगा कि भाई इनके पास तो पार्ट्स कोई भी चीज़ के अवेलेबल इजीली हो जाएंगे, मगर पूरे मुंबई में पार्ट्स अवेलेबल नहीं था। उन्होंने कहा था कि मतलब आपसे ही होता है तो देख लीजिए। उसके लिए भी मेरे को 20-21 दिन गया, मैंने वो पार्ट अवेलेबल के लिए बहुत जगह दौड़ा, तो वो पार्ट लास्ट में मैंने ही करके दिया, क्योंकि मैंने उनको बोला भाई अगर एक महीना मेरी गाड़ी खड़ी रहेगी, और बारिश का टाइम था ऑब्वियसली, मैं बारिश में ऐसा तो गाड़ी चला नहीं सकता हूँ क्योंकि पूरा फॉग हो जा रहा था और एसी है ही नहीं। तो मैंने वो कैसे कैसे उसका अरेंजमेंट किया, उनको बिल भेजा। ये है कि एक कॉल पे वो सारे चीज़ करके दे दे रहे थे, उसका मेरे को रिफंड भी आ गया जो भी था ब्लोअर मोटर का, उन्होंने सब कुछ भेज दिया। बस एक चीज़ का, जो अमरिंदर सिंह जो सर थे, वो सीट का और मेरे लाइट का, सॉरी सीट का और व्हील सिलेंडर का, हाँ वो सीट लॉक का व्हील सिलेंडर का मेरे को पैसा नहीं मिला। तो मैंने बोला छोड़ो जान दो, वो मैंने अपने जेब से ही कर दिया। बट ओवरऑल ये सब चीज़ प्रॉब्लम हुई, मगर काश 24 वाले ने जब भी कॉल किया ये सब कुछ सॉल्व करके दे दिया। मेरे को अच्छा लगा वहाँ से, मतलब कि एक बार कॉल करो वो बंदे सामने से रेस्पॉन्स देते। ये है कि मेरे को एसी ब्लोअर मोटर के लिए बहुत, एसी का जो ब्लोअर मोटर है, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी गाड़ी है तो कहीं पे अवेलेबल हो नहीं पा रहा था, और उनके साइड से मेरे को पैसा भी नहीं आ रहा था कि मैं फट से मंगा लूँ। तो जो भी ये सब बहुत एक महीने के अंदर मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुए थे, बट अभी गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है, कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें अभी तक तो नहीं आया। और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और गाड़ी का मैं आपको बाहर से भी बता, गाड़ी पे स्क्रैचेस वगैरह थे काफ़ी ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि स्क्रैचेस नहीं थे, कुछ कुछ चीज़ें उसमें नहीं थे, जैसे फॉग लाइट के वहाँ पर कवर वगैरह नहीं था, वो ऐसे ही था, फॉग लैंप नहीं थे उनके, और जो चीज़ था उन्होंने पूरा मेंशन किया। हाँ एक दो चीज़ नहीं किया था, जैसे पीछे का सीट का लॉक नहीं था, और क्या बोलते, सीट बेल्ट का प्रॉब्लम था, लाइट का प्रॉब्लम था, तो उन्होंने सब कुछ सॉल्व करके दे दिया। और गाड़ी अंदर से काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, और जब मैं लेने गया था, और एक बात उन्होंने बोला था गाड़ी क्लीन करके पॉलिश करके मिलेगी, तो मैं डिटेलर हूँ गाड़ी का, पूरा डिटेलिंग का पूरा क्लीनिंग वगैरह से लेके मतलब PPF रैप हम सब करते हैं। तो मैंने बंदे को बोला भाई गाड़ी ये पॉलिश हुई नहीं है, और अंदर से, वो बोलता है अंदर से मतलब क्लीन पॉलिश हो गई है, तो मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ गाड़ी का इंटीरियर कौन से कलर का है, वो क्या पॉलिश करेगा, देखिए आप, गाड़ी कुछ ऐसी है। तो ये चीज़ में गाड़ी थोड़ी, गाड़ी गंदी है आप देख सकते हैं, मतलब मैंने क्लीन का थोड़ा किया नहीं है, मैं गाड़ी यूज़ कर रहा था, बारिश का टाइम था, तो मैंने बोला कि आपको एक एक्सपीरियंस मतलब क्या है पर्सनल मेरा वो शेयर कर दूँ। तो ये गाड़ी का अंदर का इंटीरियर था, मैं बोला भाई इसमें क्या ही तुम पॉलिश करोगे, ये बोलो कि इसको क्लीन करके दे। तो बंदे को बताया मैंने कि मेरा बिजनेस यही है, मैं यही करता हूँ, और मैंने आपके कंपनी से इसके लिए लिया क्योंकि मेरे पास जो कस्टमर आते हैं मैं उनको पूरा, जो भी जो मेरे को पे करते वो उनका वर्थ होना चाहिए और उनका काम अच्छा होना चाहिए, तो इसलिए मैं ऐसे ही, मेरे पास कस्टमर मतलब आते हैं कि हाँ हमारा रिलेशन बने रहे और वो वापस आए, ये नहीं कि एक ही बार आए और फिर परेशान रहे। तो इसके लिए मैंने काश 24 से लिया था कि मतलब गाड़ी का जो भी प्रॉब्लम आएगा तो वो सब सॉल्व करके देंगे। तो ओवरऑल मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, मैं आपको गाड़ी बाहर से भी दिखा दूंगा कि गाड़ी कैसी है। इंजन वगैरह उसका तो इतना मस्त है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, कूलिंग वगैरह सब कुछ, सीट वेट, मतलब बहुत अच्छी गाड़ी है। बस ये, हाँ आपको अगर आप फाइनेंस करते हो तो ऑब्वियसली उनका चार्जेस वगैरह, हाँ गाड़ी में आपको ये भी देते हैं अपना ट्रैकर, हाँ और उसका फीस वगैरह जो है, गला बैठ गया यार बोलते बोलते, तो उनके फाइनेंस के चार्जेस वगैरह बहुत कुछ है। तो ओवरऑल जो भी है आप पहले ही पूछ लेना जैसा है। तो मैंने आपको डिटेल्स बता दिया कि मतलब मेरे साथ क्या हुआ और क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है मेरा। तो गाड़ी का ओवरऑल मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, और मैं गाड़ी आपको बाहर से दिखा देता हूँ गाड़ी कैसी है।
तो ये गाड़ी मैंने कास्ट 24 से डिलीवर होने के बाद मैंने ली थी। इस पर मैंने पेंट करेक्शन पूरा मतलब पॉलिश डिटेलिंग किया अच्छे से, काफ़ी ज़्यादा गंदी थी और स्क्रैचेस वगैरह नॉर्मल थे, वो मैंने निकाल दिया पूरा पेंट करेक्शन के प्रोसेस में। आप देख सकते हैं अंदर के डोर पैनल्स वगैरह सब कुछ अच्छे से क्लीन किया, अंदर के सीट्स वगैरह और वैक्यूम वगैरह सब कर दिया, जो कि पहले कास्ट 24 ने नहीं दिया था। ये सब उनको करके देना चाहिए तो एक अच्छा कस्टमर को भी एक अच्छा फील होता है कि गाड़ी एकदम फ्रेश और न्यू जैसे अंदर से भी रहे। तो ओवरऑल मैंने कुछ ऐसा किया था और आप टॉप भी देख सकते हैं, मतलब पूरा पेंट करेक्शन किया था मैंने, पूरा सीट्स वगैरह पूरा फोम वॉश करके अच्छे से डिटेलिंग किया है छोटे से छोटे चीज़ को और पूरा अंदर बाहर सब कुछ। और मेरे को आगे के विंडशील्ड पे एक प्रॉब्लम आया था केमिकल्स से, तो वो सब चीज़ मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया और उसको केमिकल्स को निकाला था। और आप देख सकते हैं ओवरऑल कुछ ऐसा लुक है गाड़ी का। तो गाइज ये रहा कास्ट 24 के साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। तो जो अगर कास्ट 24 से गाड़ी लेने देख रहा है तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और कास्ट 24 के बारे में मैंने सब थोड़ी जो मेरा था मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें बता दी, और आप अगर वहाँ पर जा रहे हैं तो और भी उनसे डिटेल्स ले ले, अभी आपको थोड़ा पता चल गया रहेगा कि कैसे क्या क्या है, और आप अपने तरफ से भी पूछ सकते हैं। और मैं बोलूँगा कि गाड़ी को बाहर निकाल के देखिए, हो सकता है कहीं और वर्कशॉप पे दे उनके टेस्ट ड्राइव के लिए, तो गाड़ी पूरी अच्छे से चेक करें कैसा क्या है, उसके बाद ही गाड़ी लेने का आगे के देखे। मेरे को ये कंपनी अच्छी लगी तो मैंने यहाँ से लिया, मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया था। तो अगर आप भी गाड़ी कोई या आपका कोई फ्रेंड फैमिली में लेने देख रहा है तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, उन्हें हेल्पफुल होएगा, थोड़ा बहुत तो उन्हें पता चल जाएगा कि कैसा क्या है और आगे भी मेरा कास्ट 24 के साथ रिलेशन कैसा है। जैसे अभी तक तो गाड़ी सही है, अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो मैं वीडियोज़ बनाते रहूँगा और भी गाड़ी के अलग अलग वीडियोज़ बनाऊँगा रिलेटेड कार डिटेलिंग के या रिव्यू जो भी रहेंगे मैं आपके अपने वीडियो चैनल पर अपलोड करूँगा। अगर न्यू हो तो आप सब्सक्राइब करो, और कोई भी काम गाड़ी के रहेंगे डिटेलिंग में पीपीएफ सेरामिक कुछ भी तो हमें कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जब तक के लिए ड्राइव सेफ एंड बी सेफ।